हे गाइस, मेरा नाम है बलराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा गेमिंग चैनल मैड पिक्सल गेमिंग। और भाई, आज कोई एपिसोड नहीं होने वाला। आज हम डिस्कस करने वाले न्यू अपडेट के ऊपर। सो गाइस यार, अब ना बीटा आ चुका है। मींस ये जो गेम में पहले ऐड होता है ना, तो उसका बीटा आता है, स्नैपशॉट आता है। सो उसमें ना यार, एक तरह से ना ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सब होता है इसमें। तो चलो गाइस यार, हम डिस्कस करते हैं कि आज क्या क्या ऐड हुआ है। तो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ ऐड हुई है वो है हमारा कॉपर। जी हाँ, देख सकते हो भाई कितने सारे ब्लॉक्स आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, हम एक एक कर कर सब डिस्कस करेंगे। और ये देख सकते हो, कॉपर आ चुका है, बहुत ही सही हो रहा है। आप इसका साउंड इफेक्ट सुन सकते हो। और ये, और वैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये लाइंस में जनरेट होगा, और इसमें बहुत सारे वेरियंट आए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, एक ये कॉपर इंगेट आई है जो हम स्मेल्ट कर कर लाएंगे, फिर कॉपर ब्लॉक आया, फिर लाइटली वेदर्ड कॉपर ब्लॉक आया, जैसे कि हम पानी में रखेंगे। मीन्स ये जैसे जैसे टाइम होता है, आपको पता ही है भाई, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है कॉपर, तो वो हरा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो मैंने वेरियंट्स तो सारे रखे हैं, पर बाय द टाइम ये सारे हरे हो गए। ये वाला ऐसा था कुछ पहले, पर ये फिर ऐसा हो गया। अब अगर हम मान लो हम चाहते हैं कि भाई हमें इनको ऑक्सीडाइज नहीं करवाना, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वैक्स्ड कॉपर बना सकते हैं। हमें हनी कोम लगेगा इसके साथ, तो ये ऐसा ही रहेगा, फिर ये हरा और नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यही रखना है, तो आपको इसके साथ हनी कोम मिलाकर आप इसके ऐसे ही रख सकते हो, फिर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। सो भाई, काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई वैक्स्ड कॉपर। और इसी से भाई एक और कॉपर का नया यूज़ आया, लाइटनिंग रॉड। और जब भी हमारी अब बारिश हुआ करेगी, हम अपने घर पर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से थंडर हमारे घर को नहीं जलाएगी। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, पर शायद अब न्यू स्नैपशॉट से भाई घर जलने लग जाएंगे। सो चलो भाई, मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। सो गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ हमारी आई है वो है हमारी कैंडल्स। देखा आपने, आ रहा है सब कुछ भाई, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी। तो कैंडल्स भाई बहुत सारे वेरियंट्स में आ रही हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल, और ये सारी उसी से बनेगी, हनी कोम से बनेगी ये सारी। मैं आपको रेसिपी भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। कैंडल्स ये देख सकते हो, हनी कोम और स्ट्रिंग से बनेगी। और ये एक रखोगे तो ऐसे एक रहेगी, फिर आप उसके साथ एक और ऐड कर सकते हो और फोर ऐड कर सकते हो। अब इसी से लाइटनिंग लेवल पर भी फर्क पड़ेगा, जैसे कि अब आप देख सकते हो मैं फ्लिंट और स्टील लगा देता हूँ। तो मैं एक मिनट, एक यहाँ पर रखता हूँ, एक और मैं डे कर देता हूँ, सॉरी नाइट। चलो गाइज, नाइट तो हो चुकी है, अब आपको असली इसका वो फ़र्क पता चलेगा। ये देखो, इसमें इतनी लाइट है, अब इसमें इतनी है, और इसमें अब इतनी है, और अब इसमें इतनी, मीन्स फुल लाइट है इसमें। तो भाई ये भी एक डिफरेंस है। और इसके बहुत सारे वेरियंट्स हैं कलर के, आप बस सिंपली डाई में रख कर इसे बना सकते हो। फिलहाल तो ये बीटा है भाई, अभी ये फुल वर्जन रिलीज़ नहीं हुआ है। ये देख सकते हो कितने सारे वेरियंट हैं। मेरे तो पर्सनल फेवरेट यार सियान है भाई, देख रहे हो कितना सही कलर है। और बहुत ही भाई डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। सो भाई देखते हैं और क्या होता है बाकी, देखते हैं अभी क्या चेंजेस आते हैं। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आई है वो है बंडल्स। और अब ये बंडल्स आपको पता होगा भाई, हम इसका एक स्टैक रख सकते हैं इसमें कोई भी चीज़ हो, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी। तो बस हमें सिंपली इसे क्लिक करना है इस पेपर और राइट क्लिक कर देना, ये इसमें आ गया। सो अभी तो हम इसमें यार वो कर नहीं सकते, मीन्स हमें हम स्टैक वाली आइटम्स रख सकते हैं, जैसे कि ये कैंडल होगी। तो देख सकते हो आप, राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक। अब अगर हमें इसे बाहर निकालना है, तो सिंपली हमें सिंपली इस पर राइट क्लिक कर देना है। देख सकते हो आप, मैंने इसमें रख ली और मुझे इसको बाहर निकालना है, तो राइट क्लिक कर देना और ये हमारी इन्वेंट्री में आ गई। तो भाई इससे भी बहुत अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होने वाली है। और इसकी जो रेसिपी है वो ये रही, रैबिट हाइड और एक दो स्ट्रिंग्स हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6 रैबिट हाइड है। तो भाई अब रैबिट फार्मिंग भी ज़रूरी हो जाएगी, पहले रैबिट का कोई यूज़ ही नहीं होता था। सो भाई बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आई होप ये आ जाए जल्दी से जल्दी और बहुत ही ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाएगी हमारी। सो गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ हमारी आई है वो है एमेथिस्ट ग्योर्ड्स। और भाई हाँ भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो इसका साउंड इफेक्ट्स सुनना जब मैं इसके ऊपर चलूँगा।
देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा अच्छा साउंड इफेक्ट है। और ये बहुत ही रेयर बायोम होने वाला है। अभी तो और भी बायोम्स थे जैसे कि लाइमस्टोन केव, और जहाँ तक मुझे लगता है ये अभी होगा यहाँ पर नीचे, जहाँ तक देखता हूँ। एक मिनट, और कहीं दिख रहा है वो रहा, वो देखो, एक मिनट में उसके बाद पहुँच जाता हूँ। ये देख सकते हो कितनी दूर जाकर हुआ है, देख रहे हो भाई। तो ये बहुत ही रेयर बायोम होने वाला है, देख सकते हो आप। और इसमें ये सारे ब्लॉक्स होंगे। तो करेंटली इसमें तो एक ये वाला ब्लॉक है जिसमें ये एमिथिस गियॉर्ड्स का ब्लॉक है ये, और इसको हम प्लेस करेंगे तो ये भी देख सकते हो साउंड इफेक्ट आएगा। और ये जो हमारा है इसको अगर हम तोड़ेंगे पिकैक्स से, मैं दिखाता हूँ आपको, पिकैक्स ले लेते हैं कोई भी, और अगर हम इसको पिकैक्स से तोड़ेंगे तो हमें ना शार्ड्स मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यार ये स्केलेटन भी, रुक जाओ मैं इसे मार देता हूँ। सो मैं अभी चले जाता हूँ सर्वाइवल मोड में, और अगर मैं अब इसको तोड़ूंगा ना तो मुझे वो मिलेगा, ये देखो एमिथिस शार्ड्स। और इसके साउंड इफेक्ट कितने अच्छे हैं देखो। बस हम ये नहीं तोड़ सकते, ये जो होंगे ना ये कभी भी नहीं टूट सकते, ना ही ये सिल्क टच से टूटेंगे, ना ही ये ऐसे टूट सकते हैं। और ये जो शार्ड्स है ना, मीन्स ये वो है जो क्रिस्टल है, क्लस्टर है जो, ये सिर्फ एक स्पेशल ब्लॉक से आएगा जिसका नाम है ये बर्ड वाला ब्लॉक है। एक मिनट मैं क्रिएटिव में चला जाता हूँ। तो ये देख सकते हो ये ना एमिथिस बर्ड है, इसी में से सिर्फ क्लस्टर निकलेगा बजाय कि इसमें से। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर भी थोड़ा अलग है। सो भाई, और ये तो यार बहुत रेयर बायोम होने वाला है। मैंने आपको दिखाया जैसे कि कितनी दूर जाकर ये स्पॉन हुआ है, देख सकते हो आसपास कहीं भी नहीं है ये। मैं उधर था, देखो मैं सी के उधर था और तब जाके ये मुझे मिला है। सोचो भाई साहब, देख रहे हो कितना ज़्यादा रेयर बायोम है ये। तो आप देख सकते हो आसपास में, हाँ ये रहा एक, ये रहा। तो और भी बायोम्स होंगे, वो भी होंगे भाई। और ये भी एक ब्लॉक आया है, एक मिनट मैं सर्वाइवल मोड में, सॉरी क्रिएटिव में कर लूँ। ये देख सकते हो टफ ब्लॉक आया, और एक ये भी आया है कैल्साइट। तो इनका तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, मीन्स ये ऐसे ही हैं डेकोरेशन के लिए। और इनको जहाँ तक लगता है हम नहीं तोड़ सकते, मुझे लगता है जहाँ तक, एक मिनट मैं सर्वाइवल में कर लूँ। हाँ तोड़ सकते हैं हम इन्हें, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी भाई बहुत अच्छे ब्लॉक्स हैं, और देखते हैं भाई कैसा होता है। तो चलो भाई चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आई है वो है स्पाई ग्लास। अब स्पाई ग्लास बनेगा कैसे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, क्राफ्टिंग रेसिपी। तो ये जो हमारे वो शार्ड्स होंगे, हम उसको लेकर और दो नीचे कॉपर इंगोट रखकर, कॉपर्स होंगे जो स्पॉन हो रहे होंगे अब जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो हम उन्हें माइन करेंगे और उनसे इंगोट बनाकर ये बना सकते हैं। अब ये जो भाई है ना, ये एक तरह से एक ऐसे काम करेगा, आप देख सकते हो भाई, जूम कर सकते हैं। और एक मिनट मैं रेंडर डिस्टेंस बढ़ा दूँ अपना, 15 कर देता हूँ। वैसे तो भाई ऑप्टाफाइन में हम सी दबाकर भी जूम कर सकते हैं, और देख सकते हो भाई बहुत दूर तक जा रहा है भाई एकदम। और मैं रेंडर डिस्टेंस कर कर देखता हूँ, एक मिनट इतना बहुत है। तो देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहा है, नहीं तो ऐसे देखना हो, मान लो माउंटेन पर देखना है मुझे, तो भाई बहुत दूर की नज़र है भाई, ये तो बहुत अच्छा है। तो देखते हैं भाई इसका भी क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑप्टाफाइन यूज़र्स को तो पता ही होगा भाई, आप अगर सी दबाओ तो भाई, मैंने सी रखी हुई है तो सी दबाता हूँ तो भाई जूम हो जाता है, बट इसमें शायद इसका अब यूज़ हो गया तो शायद ऑप्टाफाइन की ज़रूरत ही ना पड़े अब। तो भाई मीन्स ऑप्टाफाइन में इसकी टेलीस्कोप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं भाई होता क्या है। ओके गाइस, सो लास्ट चीज़ जो हमारी है वो है टिंटेड ग्लास। अब टिंटेड ग्लास कैसे बनेगा, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप इसको एमिथिस शार्ड्स के साथ बना सकते हो, एक सिंपल ग्लास और फिर 1 2 3 4 एमिथिस शार्ड लगेंगे। अब ये जो शार्ड्स होंगे, इसका टिंटेड ग्लास का फ़ायदा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट मैं ये गड्ढा खोल लेता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ से लाइट आ रही है, और अब मैंने यार वो लगा रखा है ना, मीन्स नाइट विजन, एक मिनट, तो नाइट विजन को हटने दो। सो गाइस देख सकते हो मेरा नाइट विजन हट गया। अब मैं करता हूँ ये देखो, देखो बूम, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट हम बाहर ज़रूर देख सकते हैं। सो ये टिंटेड ग्लास का फ़ायदा क्या होगा, जैसे आपने लिमोजिन में देखा होगा, हम अंदर से बाहर तो देख सकते हैं पर बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता। सो भाई ये मल्टीप्लेयर सर्वर्स में भी काफ़ी यूज़ होएगा इसका,
और देख सकते हो यार, दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर ज़्यादा नहीं दिख रहा। अंदर तो कुछ भी नहीं दिखेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो अंदर से तो भाई पूरा अंधेरा हो गया है। और फिर भाई बहुत अच्छी बात है, बस इतनी चेंजेस आए हैं अभी तो। और मुझे मेरे हिसाब से, स्नैपशॉट के हिसाब से भाई, हनीकॉम का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। सो अब भाई, अब हनी को भी भाई बहुत ज़्यादा अहमियत मिलेगी, नहीं तो पहले था ही क्या कि फार्मिंग के लिए बीज यूज़ होती हैं। सो गाइज, आई होप आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी अपडेट्स पर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में बता देना, मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।